चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से हमारे सहयोगी विकास ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दे दी है। कल कर्नाटक में 2 केस सामने आए और उसके साथ ही राजधानी जयपुर में भी बात करें तो 4 साउथ अफ्रीका से आए हुए 4 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हमारे साथ मौजूद चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान की बात करें तो उनको संदिग्ध माना जा रहा है, हालांकि पॉजिटिव तो हुए लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में संदिग्ध माना जा रहा है, कैसे उनके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है सर? उनकी कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए जाने के बाद हमारे भी आए एक परिवार, 2 पति पत्नी 2 बच्चे अफ्रीका से आए थे और उनको RT-PCR करने के बाद उनमें पॉजिटिव मिले हैं। उनको RUSH में भर्ती करा दिया गया, पूरी सावधानी बरती जा रही है और उनकी रिपोर्ट GNOM की जांच के लिए हमने SMS भिजवा दिया सैंपल। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि उनमें कौन सा वेरिएंट है और निश्चित रूप से उनको पूरी सावधानी, अफ्रीका से जो भी आया उनकी निश्चित रूप से हम पूरी सावधानी बरतेंगे, कहीं वो दूसरी बीमारी लेकर नहीं आए, इसलिए जांच के बाद ही पता चलेगा कौन सी उसमें वेरिएंट है। सर, कल के केस में बहुत बड़ी बात सामने आई है कि 5 लोग परसों पॉजिटिव आए थे, उनमें से एक व्यक्ति वो था जिसको ऑपरेशन कराना था, इसके लिए उसने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आया, उसके बाद परिवार के 5 लोग और पॉजिटिव आ गए और जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई तब पता चला कि साउथ अफ्रीका से कोई परिवार आया, उनके संपर्क में भी था, यानी कि 5-7 दिन से साउथ अफ्रीका परिवार जयपुर में आ चुका था लेकिन हमारे विभाग को पता भी नहीं चला इस बात का कि वो यहाँ पे आया हुआ है और उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये जब वो एयरपोर्ट पर आए तब से उनकी RT-PCR रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव आई और उसके बाद ही उनको RUSH में भर्ती करा दिया गया और निश्चित रूप से एक दूसरा परिवार उनके संपर्क में आया था, उसकी भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसकी भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए उसको भी हम भेज रहे हैं। पूरी सावधानी बरतेंगे, कहीं किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं और निश्चित रूप से ये जब पूरा लॉकडाउन के बाद जब सारी छूट दी है उसके अलावा लोगों की आवाजाही बढ़ी है, पर हमने सरकार ने निर्देश दिया है कि RT-PCR टेस्ट जो भी बाहर से आएगा उनका सबका RT-PCR टेस्ट के बाद ही उनको अलाउ करेंगे, नहीं तो उनको अलग से आइसोलेट करेंगे। अब तक की बात करें तो जो साउथ अफ्रीका जो परिवार आया था उनके संपर्क में कितने लोग आ चुके हैं, उसकी कोई रिपोर्ट आपने ली अभी तक कि पूरे जयपुर में कितने लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, उनकी कोई लिस्टिंग वगैरह तैयार की अभी तक? नहीं, उसकी लिस्ट तैयार करने के लिए CMHO जयपुर को कह दिया और वो जल्दी उनकी पूरी तैयार करके उनका सबका टेस्ट कराएंगे, जो भी उनके संपर्क में आए उनका सबको RT-PCR टेस्ट कराएंगे और वो निश्चित रूप से उनको अलग निगरानी में रखेंगे। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग अभी SMS में हो रही है, क्या तैयारी आगे, क्योंकि अगर थर्ड लहर आती है और उस स्थिति में अगर हालात जो है वो चिंताजनक होते हैं तो उस स्थिति में और मेडिकल कॉलेजों में क्या सुविधाएं विकसित करेंगे? 2 दिन पहले हमने जो समीक्षा बैठक की है चिकित्सा विभाग की, उसमें सारे मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी लगाने के लिए कह दिया, सब जगह फैसिलिटी को जल्दी डेवलप कराएंगे जिससे पूरे स्टेट में जोधपुर हो, हमारा उदयपुर हो, बीकानेर हो, चाहे हमारा कोटा हो, सब जगह सारे मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा हम उपलब्ध बहुत जल्दी करा दी। बताइए किस तरह से जो साउथ अफ्रीका से 4 लोग आए थे उनको लेकर के विभाग कितना गंभीर है, पूरी उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है शुरू कर दी गई है, साथ में जो रेजिडेंट हड़ताल है उसको लेकर अपील की है कि रेजिडेंट जो है काम पर लौटे ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।